वनडे सीरीज में सजा भारत के सिर ताज, इन पांच खिलाड़ियों ने बचाई टीम इंडिया की लाज। टीम इंडिया के जीत का असली पांच राजकुमार। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 13वीं वनडे सीरीज जीत ली है। इस सीरीज का तीसरा मैच बड़ा ही घातक था, क्योंकि टीम इंडिया अगर ये मुकाबला हार जाती तो ये रिकॉर्ड नहीं बनता। लेकिन टीम इंडिया ने तीसरे मुकाबले में 200 रनों से भारी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 351 रन बनाए। उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 35.3 ओवर में 151 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन, मन गिल, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या के अर्धशतक देखे। वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई भी बल्लेबाज सामने टिक नहीं पाया। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि टीम इंडिया के लिए इस सीरीज जीत के पांच राजकुमार कौन से रहे, जिन्होंने तीसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेली। एक वक्त था जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो विकेट पर टिके रहे और आखिरी के ओवरों में हार्दिक पांड्या ने बताया कि क्यों उन्हें इतना बड़ा ऑलराउंडर आंका जाता है। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 52 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। ये हार्दिक पांड्या की पारी का ही कमाल था जो टीम इंडिया को इतना अच्छा फिनिश मिला और भारतीय टीम 350 का स्कोर पार करने में कामयाब रही। तो भारत की जीत के हीरो रहते हैं कप्तान, जो कि हैं हीरो नंबर 1। दूसरा हीरो है इस टीम इंडिया का ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने इस मुकाबले में 64 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। ईशान किशन की ये पारी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक तेज तर्रार शुरुआत दी और उन्होंने शुभमन गिल के साथ 100 रन से ऊपर की साझेदारी की। ईशान किशन इस सीरीज में कमाल के फॉर्म में है और भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है। यही नहीं, वेस्ट इंडीज़ का भी कोई खिलाड़ी उनके आसपास नहीं पहुँच पाया। ऐसे में ईशान किशन भारत जीत के हीरो नंबर 2 रहे। शुभमन गिल। इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल ने 92 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 11 चौके ठोके। एक तरफ से ईशान किशन तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे तो शुभमन गिल अपने आप को संभाल कर धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ा रहे थे और ईशान किशन का साथ दे रहे थे। और उसके बाद जैसे ईशान किशन आउट हुए, शुभमन गिल ने भी तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू किया। ईशान किशन ने टीम इंडिया को एक तेज तर्रार शुरुआत दी तो शुभमन गिल ने सदी हुई शुरुआत दी। शुभमन गिल हालांकि अपनी सेंचुरी से चूक गए। ऐसे में शुभमन गिल के फैंसों से यही चाहते हैं कि भविष्य में वो भारत के लिए सेंचुरी ही बनाए और लंबे स्कोर के साथ ही भारत को एक बड़े मंच पर पहुंचाए। ऐसे में टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल रहे हीरो नंबर 3। संजू सैमसन। इस मुकाबले में संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखने का हर किसी को इंतजार था। संजू सैमसन की बल्लेबाजी हर कोई देखना चाहता था और संजू सैमसन ने भी अपने फैन को निराश नहीं किया और पहले तो उन्होंने 3 छक्के लगा दिए और उस समय तक लग रहा था कि संजू सैमसन इस मुकाबले में 100 लगाए बिना लौटेंगे नहीं। लेकिन अचानक ही संजू सैमसन का विकेट गिर गया। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 41 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसके उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए। ऐसे में संजू सैमसन भारत की जीत के रहे हीरो नंबर 4। मुकेश कुमार। अब टीम इंडिया 351 रनों का विशाल स्कोर बना चुकी थी और टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज़ को रोकना था और मुकेश कुमार ने ये काम बड़ी बखूबी ढंग से निभाया। मुकेश कुमार ने 7 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। एक वक्त था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम सोच रही होगी कि वो भारत को कड़ी टक्कर दे, लेकिन मुकेश कुमार ने आकर उनको ऐसा धराशायी किया कि वेस्ट इंडीज़ वाले संभल ही नहीं पाए। मुकेश कुमार ने आते ही ब्रेंडन किंग को आउट किया, काइल मेयर्स को आउट किया और इसके बाद शे होप, जो कि उस टीम के कप्तान भी है, उसको भी चलता कर दिया। ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स और शे होप को आउट करके वेस्ट इंडीज़ का टॉप ऑर्डर मुकेश कुमार ने बिखेर कर रख दिया। उसके बाद उनके ज्यादा बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। एली कथानेजे ने जरूर कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो 32 रन बनाकर आउट हो गए। केसी कार्टी 6 रन बनाकर आउट हो गए। हेटमायर ने 4 रन बनाए। रोमारियो सेफर्ड ने 8 रन बनाए। कैरिया ने 19 रन बनाए और अल्जारी जोसेफ ने 26 रन बनाए। भारत के लिए मुकेश कुमार ने 7 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट निकाले। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर 3 गेंद में 37 रन देकर 4 विकेट निकाले, जो उनके करियर के बेस्ट वनडे परफॉर्मेंस में शुमार है। जयदेव नाटकर ने 5 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट डाला। कुलदीप यादव ने 8 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट निकाले और 3 मैडन भी ओवर फेंके। रविंद्र जडेजा ने 5 ओवर में 1 मैडन डालकर 19 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। तो दोस्तों, भारत की जीत के पांच राजकुमार थे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में अपनी जान झोंक दी और टीम इंडिया को सीरीज जिताई। इसके साथ ही टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। तो दोस्तों, आपका भारत की इस जीत पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया विराट और रोहित
के बिना अच्छी तैयारी करने में कामयाब रही। और जब भारत की टीम विराट और रोहित के साथ उतरेगी तो और ख़तरनाक हो जाएगी। और कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि टीम इंडिया के लिए इस सीरीज़ में जगह बनाने में कामयाब हुआ, हमको ज़रूर बताइए। साथ ही आपको बता दें कि तीसरे वनडे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड शुभमन गिल को मिला, वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड से ईशान किशन नवाजे गए। शे होप जो कि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं, उन्होंने भी कहा कि जो 350 का स्कोर हमने बनवा दिया था वो चेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में आप बस यही चाहते हो कि अच्छा खेलो। तो दोस्तों, भारत की जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।